गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और इस सीजन में आप देखोगे कि बहुत ठंड की वजह से आप धूप में बैठ रहे हो और धूप में बैठने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और मोस्टली जब थोड़ा एज होने लगता है ना, तो आप देखोगे कि ये चीक्स का जो इतना पोर्शन होता है, या तो ये चीक बोन या फिर ये पोर्शन, ये आप देखोगे कि ब्लैक होने लगा है। तो ये जो है सन टैन की वजह से उन्हें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जो उसके बाद वो कुछ भी वो करे वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। और ठंड इतनी है कि धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कोशिश करो कि एकदम जो वो 11 से 2 वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पर आप धूप में मत बैठो, सुबह के समय या शाम के समय बैठो। और इसके अलावा एक बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करो, जो फ्रेश एलोवेरा होता है उसका पल्प निकाल लो, वो आप मिक्सर में डाल दो, एक या दो लीफ का अच्छे से, आप बल्क में आप बना के रख सकते हो, तो दो बड़े बड़े लीफ का पूरा अच्छे से पल्प निकाल लो और उसमें आधा नींबू का रस वो निचोड़ दो और 1/4 स्पून आप टर्मरिक डाल दो। टर्मरिक जो है ना वो बहुत ही मतलब कारगर आपको साबित होगा पिगमेंटेशन के लिए। तो आप 1/4 स्पून जो है टर्मरिक का डाल दो उसमें, और 1/4 स्पून ही आप नटमेग का डाल दो, जायफल। जायफल पाउडर जो है ना, ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपको पिगमेंटेशन में। तो इन चारों को मिक्स करके आप अच्छे से फाइन आप उसे ग्राइंड कर दो, और ग्राइंड करने के बाद जो आपको एक वो सॉल्यूशन रेडी मिलेगा, उस सॉल्यूशन को आप एक शीशे के जार में करके फ्रिज में रखो। और आप सुबह शाम डेली जब भी आप धूप में जा रहे हो, धूप से आके फेस धोने के बाद आप फिर लगा लो, सुबह में लगा लो, रात में लगा लो, ये एक बहुत ही अच्छा आपको मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र मिलेगा जो आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो बस वही बात है, एक दिन में कुछ भी जादू नहीं होगा। आप इसे यूज़ करो, 1 से 2 महीने में आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा आपका पिगमेंटेशन जो है ना वो कम होने लगा। इसके अलावा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आलू और टमाटर को ग्राइंड करके वो पेस्ट आप हमेशा रखो और उसे फेस पे लगा के आराम से रिलैक्स करो। जिस वक्त आपको टाइम हो आप आराम से लेट जाओ, वो फेस पे लगा के, और आप लेट जाओ और आधा घंटा लगा रहने दो, वॉश कर लो। ये एक उपाय क्रीम वाला और एक ये पल्प वाला, ये दोनों अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो इस विंटर आपको पिगमेंटेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये उपाय आपके लिए बहुत ही बहुत कारगर सिद्ध होगा। और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।